नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच में एक अधिकारी मैडम ज्योति हमारे बीच में है पैनल में, और साथ में भीम आर्मी से राहुल वाल्मीकि भी जुड़ेंगे। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं मैडम, आपके साथ में हमें जानकारी मिली है कुछ भेदभाव या शोषण आपके साथ हो रहा है, जो कि आप इतनी बड़ी अधिकारी हैं, तो आपके साथ ये क्या मामला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए, आप अपना परिचय देते हैं। मैं ज्योति सुनहरे, सीएमओ बुधनी, वर्तमान में सीहोर जिले में पदस्थ हूँ। मैं अपने घटना के बारे में बताऊंगी। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मुझे किसी ना किसी तरीके से थ्रेट कॉल्स आना या अननोन प्लेसेस पे बुलाना, ये सब घटनाक्रम चल रहा था। एक तरीके से वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर का ताना वाना बुना जा रहा था। मेरी गाड़ी को जैसे प्रोटेक्ट करके रोकने का प्रयास करना या मेरी घर का खिड़की खुलना। फिर जिस दिन घटना हुई उससे 1 दिन पहले पूरा उनका प्रयास था जो मर्डर प्रत्यक्ष रूप पे किया जाए, क्योंकि उन्होंने 1.5 या 2.5 घंटे तक रैकी की और मेरा घर से निकलने का मतलब इंतजार किया गया कि मैं किस तरीके से घर से निकलूंगी और कब निकलूंगी। नहीं तो लेकिन का पूरा वो रहे, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ मानते, क्यों ऐसा किया जा रहा है? अभी इसके पीछे मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं है कौन है इसके पीछे, क्योंकि वो लोग फेस कवर किए हुए थे। कोरोना का वास्तविक जो यूज है उन्होंने ही किया, उसका लाभ वास्तविक लाभ उन लोगों ने उठाया। उन्होंने फेस इस तरीके से कवर किया हुआ था जिससे कि उनकी आंखें के लिए दिख रही है, इनफैक्ट थ्रेड तक नहीं दिख रही है, और उनकी थ्रेडिंग किस तरीके की है वो भी नहीं दिख रही है। आपके कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है? मेरे कार्य क्षेत्र में नगर की सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छता, वाटर सप्लाई, रोड कंस्ट्रक्शन जो नगर में होंगे और अन्य विकास कार्य आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है, जन्म से लेकर जब गर्भ में आता है तो जन्म से लेके किसी व्यक्ति के मृत्यु तक हम लोग उसके साथ होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाना, विवाह प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और भी अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या संबल योजना, सभी योजनाओं को लागू करने का दायित्व हम लोग का होता है। अभी कोरोना में भी हम लोग की विशेष भूमिका है, क्योंकि स्वास्थ्य स्टाफ हमारे पास होता है, तो वार्ड वार्ड वाइज हम लोग की ड्यूटी होती है सर्वे दल में या फिर सैनिटाइज करवाना और सारी। नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ जो जिस प्रकार की घटना की जा रही है, तो इससे कहीं किस किन लोगों को फायदा हो सकता है, जो ठेकेदार, भू माफिया या जो आपके क्षेत्र में जुड़े हुए नहीं होते हैं, कॉन्ट्रेक्टर्स हो सकते हैं जुड़े हुए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रोड कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जाते हैं बनाने के लिए। अच्छा, तो इसके लिए इस संबंध में इस घटना के बारे में की नहीं हो सकती। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टर की कॉन्ट्रेक्टर की घटना नहीं हो सकती है। अच्छा। जिस तरीके से उन्होंने घटना घटित हुई है उसमें ये प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि उस व्यक्ति को मुझसे कुछ ज्यादा रंजिश रही है या उस व्यक्ति को कोई लोकल का सपोर्ट काफी अच्छा है। नहीं तो इसकी जानकारी आपने पुलिस डिपार्टमेंट को दी है? जी, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को उसी दिन घटना वाले दिन ही उसी समय दे दी थी जिस समय मेरी गाड़ी पे पेट्रोल डाल के आग लगाने का प्रयास किया गया था और गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया है। मेरा घर, बेडरूम सब जल चुका है और मैं किसी तरीके से मम्मी को लेके बाहर निकली। तो अभी तक अपराधी या जो मतलब जो संदिग्ध लोग हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? अभी तक अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वो लोग फेस कवर किए हुए थे और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी, शेड्यूल कास्ट से आती है शायद, इसमें कोई जाती है? आप शेड्यूल कास्ट से आती है शायद? यस, मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हूँ। तो राहुल जी ने मुझे बताया है कि आपके साथ कहीं ये जाति उत्पीड़न से रिलेटेड रंजिश तो नहीं है, ऐसा कुछ मामला तो नहीं है कुछ लोग आपसे? मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन फैक्टर हो रहा है क्योंकि उस समय नहीं हुआ ऐसा, मुझे रियलाइज कि ऐसा कुछ हो सकता है, परंतु घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से लोग मुझसे बोल रहे हैं उस समय तो मैं नहीं मरी, परंतु उसके बाद हर रोज मर रही हूँ। जिस तरीके से लोग मेरे बारे में कटाक्ष कर रहे हैं कि आप इस रहन सहन को, लाइफ स्टाइल को जीते हो, आपको ऐसा नहीं जीना चाहिए क्योंकि आप एक महिला हो, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हो, आपको बड़ी गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं अब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है। लेकिन जो लोग आपको ऐसा कटाक्ष कर रहे हैं तो उनका नामजद आपको रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस में? नहीं, उन्होंने मेरे को अप्रत्यक्ष तौर पे ही बोला है कि हमने सुना है लोग ऐसा बोलते हैं आपके बारे में। ये नहीं कहा कि मेरा व्यू है, किसी ने ये शब्द नहीं कहा कि मेरा ये मानना है। ये बोलते कि लोग ऐसा बोलते हैं नगर परिषद बुंदी क्षेत्र में।
जी, तो फिर इसके लिए मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जैसे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, उन तक बात आप, हाँ, उन तक आप बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे? मैं प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि आप भी समझती हैं अभी मंत्रिमंडल का विस्तार है, माननीय जी काफी व्यस्तता है माननीय जी की, और तो मैंने राइटिंग में एक लेटर तो पहुंचा दिया सर के पास, और उनसे समय लेने का प्रयास कर रही हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय जी पास जिस समय मेरी बात पहुंचेगी मुझे सपोर्ट जरूर मिलेगा। जी राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़ गए, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो ये जिस प्रकार से हमें ज्योति मैडम ने जो घटना घटित बताई है, और उनका ये भी आरोप है कहीं ना कहीं कुछ लोग इन पर जातीय भेद के कारण जो जातिवाद है उसका भी एक मामला ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, पहले हमारी जो शुरुआत होती है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से ही होती है, और इस संविधान के द्वारा जो हमारे लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनको, जो वहां पर मनुवादी जो लोग बैठे होते हैं, अधिकारी बैठे होते हैं, जो संविधान को नहीं पढ़कर मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब को यहाँ पर फॉलो करें। तो लेकिन उनके साथ जो जघन्य घटना, बहुत ज्यादा भयावह घटना घटी, जिस हिसाब से बता रही हैं कि पेट्रोल डाल दिया गया उनकी गाड़ी में, ब्लास्ट कर दिया गया, उनका जो बेडरूम है वो जल गया, जिस तरीके से वो बची हैं, ये मामला बहुत ही बोलना चाहिए डरावना है और भयानक है। और मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस की कोई सुरक्षा आपको मिली कि नहीं मिली अभी? जी नहीं, मेरे को मैंने परमानेंट गार्ड की डिमांड की हुई थी, परंतु मुझे गार्ड ना मिलके मुझे ये बताया गया क्योंकि स्टाफ का अभाव है, इसीलिए मैडम आप जब आपको कहीं बाहर जाना है तो आप हमें अवगत करवा दिया कीजिएगा और हम 100 डायल को भिजवा देंगे, परंतु होता ये था कि मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ता था, जैसे मेरे ऑफिस का टाइम है 10:30 का, और जनरली जो मैं जाती हूँ 10:15 पे जाती हूँ ऑफिस, तो मैं 9:30-10 बजे से फोन लगा लगा के प्रयास कर रही हूँ, तब कहीं 10:30 के 12:30 तक कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, तो मेरे ऑफिस टाइम पे मैं नहीं पहुंच पाती थी, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया फिर, क्योंकि मैं उनके हिसाब से चलना चालू कर दी थी, वो मेरे हिसाब से नहीं चल पा रहे थे। और सुरक्षा का मतलब ये होता है कि मैं जब बोलूं, जब मुझे ऑफिस जाना है तब मुझे सुरक्षा मिले, ना कि ये नहीं जब सुरक्षा उपस्थित हो तब मैं पहुंचूं, तो इससे बेटर था कि मैं खुद ही चली जाऊं। तो मैं तो ये कहता हूं कि थ्रेट्स आ रहे हैं अननोन सोर्सेस के माध्यम से कि आप कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, अदरवाइज आपकी भी नौकरी है खतरे में आ जाएगी, हम इतना कर सकते हैं कि आपकी जान पे बनाई, तो हम ये भी हमें बहुत छोटी बात है। नहीं तो क्या कोऑपरेट करना आपको, आपको मैडम आपसे पूछना था कि मैंने पूछा कि क्या कोऑपरेट करना, कि मैं एफआईआर वापस लूं, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही उस चीज को। तो उनने ये बोला कि हमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सिग्नेचर फॉर्ज करना कि आपकी कॉपी कर सकते हैं हम सिग्नेचर की, हमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मतलब जैसा मेरा फेस कट है, क्योंकि आजकल लोग मास्क लगा रहे हैं, उनने कहा कि यदि आप मास्क लगा लो और आपकी जैसा बंदा मुझे, हमें बहुत लोग मिल जाएंगे, आपकी वॉइस कॉपी करना हमें कोई बड़ी बात नहीं, और हम आपको किसी भी गलत तरीके से गलत प्रकरण में उलझा सकते हैं, इसलिए आप सोच समझ के काम करना जो भी आपको करना है, अदरवाइज मैं आप लोगों से जुड़ती नहीं। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैडम मध्य प्रदेश में जो कानून का राज है कि जंगल राज है, आप जैसे अधिकारी जो हैं, इस तरीके से मैं अगर देखू तो मुझे लग रहा है जंगल राज है, मतलब आप जैसे अधिकारी के साथ ये घटना घटित हो रही है, तो आप जो गरीब ऑफिसर हूं, आप क्लास टू ऑफिसर हैं, और आपके, मैंने अभी देखा एक हरियाणा की एक गांधीनगर वो आईएएस अधिकारी, वो उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना घटित हुई, वो मजबूरी में उन्होंने रिजाइन देकर, घटनाएं आए दिन आ रही हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आज ही लेटेस्ट में देख रही थी, अभी कोई सीएमओ है खजुराहो, जी जी, उनके घर में घुस के किसी व्यक्ति ने, उनके ही खुद के कर्मचारी ने, उनकी वाइफ पे मर्डर करने का प्रयास किया, उनके हाथ को लग के गोली निकल गई, इसका क्या समझे, कि आए दिन सीएमओ पे मतलब कुछ ना कुछ बार किया जा रहा है, एंड देन ये बात तक बोलना कि आपका सिग्नेचर हम कॉपी कर लेंगे, आपका हुलिया कॉपी कर लेंगे, आपकी वॉइस कॉपी कर लेंगे, तो डर है कि पता नहीं वो किस प्रकरण में मुझे उलझाने के प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं, जो घटना मध्य प्रदेश में घटित हो रही है, जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा है, मेरे नजर में तो गुंडा राज नजर आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जब से भीम आर्मी बनी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी संस्थापक हैं,
जिन्होंने इस देश के युवाओं को एक हिम्मत दी है कि हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी होगी। और कब करेंगे? मैं आपसे पूछा कैसे करेंगे, जब घटना घटित हो जाती तब भीम आदमी आंदोलन करती, प्रदर्शन करती, लेकिन जो इस प्रकार की घटना हो रही है, घटना के बारे में मैंने 1.5 महीने पहले बताया था कि मुझे ऐसा प्रतीत। देखिए जैसे ही मेरे पास जानकारी मिली थी, देखिए जैसे ही बहन जी से, मेरी बहन से बात हुई कल, तो मैंने तुरंत ही आज 11 बजे बहन जी के निर्देश और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज ज्ञापन भी दिलवाया है। अच्छा। कलेक्टर को भी हिदायत दी है कि आप संविधान के तहत आप बैठे हुए उस कुर्सी पर, अगर क्लास 2 का ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की आप सुरक्षा कैसे देते हैं? क्योंकि ये बैठे जरूर संविधान के दायरे से हैं, अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो व्यक्ति होता है ये नहीं चाहते हैं बाबा साहब को पढ़े। बहन जी का जैसे मैंने देखा है ऑफिस की फोटो भी लिया है, तो बहन जी ऑफिस में फोटो लगाई, भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत मानती है क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से ही देश की महिलाओं को सम्मान मिला है, देश की महिलाओं को वो अधिकार मिला है। वरना अदरवाइज 1947 से पहले की हम स्थिति देखें तो महिलाओं को 1947 के पहले घर से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं थी। और जहां तक कि मैं देख रहा हूँ आज भी कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है उनको आज भी निकलने नहीं दिया जाता, ये संविधान का अधिकार है। अगर हमारी देश की महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं और वो उच्च पद पर पहुंच तो जाती हैं, लेकिन क्या है कि समाज की कनेक्टिविटी क्योंकि वहां पर जिस तरह आम आदमी का शोषण होता है उसी तरह अधिकारियों का भी शोषण उस सीट पर पहुंचने के बाद भी हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों से बात कर रहा हूं, जैसा कि बहन जी का जो मेरे पास जानकारी आई थी तो मैंने तुरंत ही कार्रवाई करवाई और जो वहां पे अधिकारी बैठे हैं मैंने देखा हुआ है कि उनकी DP पर भगवानों की तस्वीर लगी है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी बहन अपने ऑफिस में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर रखती है और गुंडा तत्व लोग, असामाजिक तत्व लोग जो बहन जी के घर जाकर गाड़ी फूंक देते हैं, और तो लोगों को शायद वो ही चीज चुभ रही है, कुछ लोगों का कटाक्ष है कि आप डरते तो बिल्कुल, क्योंकि उस समय मेरी जो घटना हुई है वो बहुत छोटी घटना है, इससे और बहुत बड़ी हो सकती। मैडम मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आपकी मजबूरियां समझ सकता हूँ, आप एक बहुत ही जवाबदार पद पे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं और सरकारी विभाग में हैं, और कहीं ना कहीं आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन में हैं, मुख्यमंत्री जी के अधीन में हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप, मुझे मालूम है कि आपके अंदर एक भय भी लग रहा है कि मैं कुछ बोलूंगी तो वो नाराज ना हो जाए, मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ। नहीं है, देखो जो सच है मैं वो बोल रही हूँ, तो अगर मुझे भय होता तो मैं शायद आपसे जुड़ती भी नहीं। मैं तो आपको साफ बोल रहा हूँ मैडम, मुख्यमंत्री जी की मैं बस वही बता रही हूँ कि आपके साथ, हाँ मैडम, आपके साथ जो भी घटना घटित हुई और अभी तक अगर आपको सुरक्षा नहीं मिली है तो इसमें मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी है, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है कि वहाँ के जो SDOP जो पुलिस हैं उनको देखना चाहिए, थाना प्रभारी को देखना चाहिए सारे मामले को, उसके बाद SP को और कलेक्टर महोदय को। यदि ये सब कुछ आपके लिए नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी किस बात के लिए बैठे हैं? ये हम सवाल उठाते हैं, और ये सवाल हम सिर्फ आपके लिए नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल हम उठा रहे हैं उन आम जनता के लिए मध्य प्रदेश की, जो कहीं ना कहीं जब आप जैसे सेकंड क्लास अधिकारी के साथ यह हो रहा है और कहीं ना कहीं जो अपराधी है बेखौफ है और अभी भी आपको धमकी दे रहे हैं, और प्रशासन अभी, हम तो ये कहेंगे कि मौन है, खामोश है और कुछ नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता की बात है। मैडम मैं आखिरी में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? अंत में सर्वोच्च निवेदन यही करना चाहूंगी कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो भगवान ना करे कभी किसी और या किसी और में, वो आपके परिवार में किसी के साथ हो, आपकी भी बहने हैं, माता हैं, बेटियां हैं और भी समाज के सब हैं, कहीं ना कहीं वो भी अकेले सर्विस कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रही होंगी, तो जो मेरे साथ घटित हुआ है वो शायद सभी के साथ हो सकता है, या मेरे गोद में बैठी हुई मेरी बच्ची इसके साथ भी हो सकता है, भविष्य में जाके ये भी आगे कुछ ना कुछ बनेगी। तो बस यही निवेदन है कि इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ जो इसके पीछे है उसका उजागर हो कि कौन है इसके पीछे। मैडम मैं आपसे
मैडम मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ ये इंटेंशन नहीं है कि मैं अपराधी को सजा दिलवाऊं, मेरा ये भी इंटेंशन होता है हमेशा कि यदि उसने अपराध किया है तो ऐसा अपराध क्यों, इतना जघन्य अपराध क्यों किया, उसकी मानसिकता तो पता चले जी, क्योंकि कभी भी अपराधी को खत्म करना अपराध खत्म नहीं होता, मानसिकता अपराध की प्रवृत्ति जीवित रहेगी, बस उसकी वो जो सोच है मानसिकता खत्म होनी चाहिए, अपराध अपने आप खत्म हो जाते हैं। मैडम आपकी बात से, मैडम आपकी बात सही है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि सरकार खामोश रही, प्रशासनिक अधिकारी खामोश रहेंगे तो राजनीति करने वाले तो राजनीति उनको करना चाहिए, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय। लेकिन अगर अगर सब लोग चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो कल को जो घटना मेरे साथ हुई है, आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति उसका शिकार होता रहेगा, ये बात तो जी। मैडम आप हमसे जुड़ी, राहुल जी आप भी हमसे जुड़े, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मैडम हम आपकी जो आवाज, सभी से निवेदन है कि जो व्यक्ति मुझे उसका नाम जानना, उसकी मानसिकता जाननी है, बस यही एक निवेदन है सभी से जी जी, कि वो पता लगवाने में मुझे प्रयास करें जी जी। आप बहन भीम आर्मी आपको विश्वास दिलाती है कि हम आपके लिए न्याय दिलाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे, हमें अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए लिए राजनीति करनी, लोगों से अपने अपनों से राजनीति नहीं करनी है ना, हम अपने समाज के लिए न्याय, और आप एक हमारे समाज की बहन है, नारी शक्ति का स्वरूप है, जिन्होंने हिम्मत दिखा के आज मीडिया पे आए, हम आपके साथ हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं अकेला बैठा हूँ अभी आपके साथ, जब सड़क पे उतरेंगे तो हजारों लाखों युवा आपके साथ होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं देगी तो भीम आर्मी आपको विश्वास दिलाती है कि आपके भाई आपकी सुरक्षा में खड़े होंगे। थैंक यू जी मैडम, हम आपसे लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। आप देख रहे हैं WLBS News, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।